प्रदेश के संभल में 7वीं की छात्रा को जिंदा जलाए जाने की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। जानकारी के मुताबिक गुन्नौर कोतवाली थाना इलाके के दबथरा हरलाल गांव में गांव के ही कुछ युवकों ने 7वीं की छात्रा के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े और छात्र को अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने गांव के 3 सगे भाइयों समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक आरोपियों ने कुछ दिन पहले छात्र का अपहरण किया था, लेकिन पुलिस के दबाव में उसे छोड़ दिया गया था। देखकर के एक मुकदमा लिखा गया है कि भाई उसी गांव के छोटे धर्मपाल और सुगर सिंह नाम के 3 भाई हैं, उन्होंने इसको वहां पर जलाया है। गंभीर स्थिति में इसको यहां लाया गया था, PHC गुन्नौर यहां से रेफर किया गया, तो वो अलीगढ़ पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई और उन्होंने मृतक के पिता ने तहरीर देकर के तीनों को नाम दिया है। सर, किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? गिरफ्तारी के लिए टीमें गई हुई हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन शीघ्र गिरफ्तारी होने की संभावना है।